अब यार इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा, देखें थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं। तो फाइनली दोस्तों इधर हमने कलर शुरू कर दिया और वो वाली साइड हमारी माशाल्लाह देखे कितनी प्यारी लग रही है, सिंगल ही कोड की है तो अभी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप? ठीक है दोस्तों, ईद तो चली गई है। मैंने आपको बताया था कि हमने इधर हमारे ना सेटअप पर कलर करना है मिनी जूम में, तो ये देखिए मैं ब्रश भी ले आया हूँ। हम जल्दी जल्दी पहले ना अपने बड़े फौजियों को खुला छोड़ देते हैं, कबूतरों को भी और हेलीकॉप्टर को भी। चलो भाई आज देखिए भाई, आज तो लगता है काफ़ी ज़्यादा ना ये अंदर लड़ाई लड़ाई कर रहे थे जितनी तेज़ से निकले हैं। जल्दी जल्दी निकलाओ भाई यार, मैं एक साइड पर पीछे ही हो गया हूँ, पहले मैं यहाँ पर खड़ा होता था। देखो सारों ने ना हलचल ही शुरू कर दी है, मेरे भी निकालते हैं भाई। चलो भाई ये बच्चे को भी निकाल देते हैं, देखिए माशाल्लाह उड़ना इसने शुरू कर दिया है, इसे पकड़ के उड़ाते हैं। चलो भाई इधर जाओ आप, यार पानी तो डाल दिया, मैंने सोचा थोड़ा हम दाना भी डाल देते हैं क्योंकि दाना पहले का काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, वो भी इन लोगों ने खा दिया है। देखिए यार प्याला मैं रोज़ अभी इनका ना एक तकरीबन लगना शुरू हो गया, अब ये बड़ी हो जाएंगी तो ये ज़्यादा खाया करेंगी। यार मैं आपको बताऊँ ना एक यार बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी खबर भी नहीं है और अच्छी भी है कि हैरानकुन बात है कि सुबह का टाइम था मैं आया और ये हमारे दो शहजादे ना इधर ही बाहर फिर रहे थे। मैं तो इसे यार देख के हैरान हो गया, ये किस तरह बाहर आ गए। जब मेरा कज़न नुमान था इसने कहा तुमने यार नहीं बंद किए, हम दोनों ने मिलकर बंद किए, हम सोचियों में घूमते, हमने कहा नमाज़ पढ़ने जाने जल्दी जल्दी जाते, अंदर हमने ये बंद किया और सुबह करे ये शुक्र करे इधर ही फिर रहे थे और बिल्ली की बिल्ली आई नहीं और इन्हें कुछ कहा नहीं। एक दिन पहले हमारा वो ब्राउन वाला खुला रह गया था भाई और आज भाई दोनों ही ना ये इधर फिर रहे थे। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह पाक आपका कि आपने हमारे रैबिट्स को बचा लिया, चिंटू मिंटू को दोनों को माशाल्लाह, वो देखिए आम के छिलके खा रहे हैं। और यार हमने ना अपना कलर जून सा इधर ही रख दिया था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा माशाल्लाह, क्योंकि ईद थी और हमारे कज़न अपने नानाबू लोगों के घर गए हुए थे तो मैं इस बार नहीं गया क्योंकि मेरे नानाबू लाहौर के पास रहते हैं, हम इकट्ठे ही जाते हैं और काफ़ी दिन रह के आते हैं और दाना डाल देते हैं हम। यार बाल्टी को हम उठा कर ना बाहर रख देते हैं, एक बाल्टी भाई हमने बाहर रख दी है, अब हम रख देते हैं दूसरे वाली बाल्टी, ये वाली इनका कलर सारा ना ये देखे नीचे बैठा हुआ है। तो दोस्तों दोनों बाल्टियां हमने बाहर रख दी है, अब इसके जो अंदर जो सा डंडा मारने ना हमने ये स्टिक मोटी सी ये देखे ये लिया थे मैंने, दिन में आकर ना दो तीन बार मारा था, ये देखिए इसका आगे से ना कलर ही वाइट हो गया है, तो ये मार देते हैं हम अंदर अच्छी तरह एक बार और, ये देखिए गंदा ना ये अभी वाइट हो जाएगा माशाल्लाह सारा। सुबह मैंने इतनी इतनी जोर के ना इस तरह मारा तो ये नीचे जोन से भी भाई पत्थर थे सारे जोन से वो फिस गए थे, टूट के ना छोटे छोटे हो गए मेरे माशाल्लाह। देखिए ये भी वाइट हो गया, अब इसका देखिए ये भी गंदा है ना, तो अभी इससे भी हम साफ कर देंगे। चलो यार तो फाइनली दोस्तों हमने दोनों बाल्टियों को हिला दिया अच्छे तरीके से। तो भाई मैंने ना इंटरनेट से एक तरीका देखा था, वो कहते हैं आप ना इसके अंदर नील डाल दो या फिर एक गिलू का पैकेट, और गिलू के साथ ये होगा कहते अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, लेकिन यार हमने वो तो उस तरह ही कर दिया था लेकिन वो अभी तक माशाल्लाह अच्छा है क्योंकि हमने वो एक दो दिन पहले ही भिगो दिया था, वो तो तकरीबन दो से तीन दिन ना ये वाली बाल्टी के अंदर भिगोया रहा था। तो भाई अब जाते हैं नीचे, हम अपनी दुकान से ना नील की खुला नील लेके आते जोन सा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होते थे, वरना दूसरा वो छोटी शीशी वाला तो कम पड़ेगा, तो अभी मैं नीचे जाता हूँ भाई नील लेके आता हूँ और वो पानी के अंदर मिक्स करेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं देखे नील ले आया हूँ, इतना सा है ये मेरे सायाबू ने बताया पूरी ना एक लीटर बोतल बन जाएगी, तो मैंने इधर एक लीटर की बोतल देखी थी पानी वाली, इधर मैंने रखी थी सुबह टाइम तो इधर है नहीं, वो पता नहीं कहाँ पर चली गई, तो मैं नीचे से वो भी ले आया। तो जल्दी जल्दी जाकर तो देखिए माशाल्लाह हमारे सारे कबूतर ना उड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको यार एक बात बताऊं कि जो था हमारा हेलीकॉप्टर है ना वो सुबह यार गायब हो गया था, आपको मैं बता नहीं सकता इतनी बुलंदियों में था ना वो आसमान की कि हमें काफ़ी देर नज़र ही नहीं आया, अली भी परेशान था और मैं भी। तो भाई हेलीकॉप्टर ना गर्मी में उड़ा, 10:30 बजे उड़ा और 2:30 बजे खुद ब खुद ना आकर उधर वाली जगह पर बैठ गया, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी पकड़ा और इसे बंद कर दिया। ढक्कन कहाँ पे गया? वो ढक्कन ढक्कन ये भाई बंद कर देते हैं, अब अच्छे तरीके से इसे हिला देंगे क्योंकि ये पक्का आ जाएगा, ये देखे मेरे हाथ पर भी लग गया, इसे अच्छे तरीके से हिलाते हैं। भाई हमारे सेटअप पर ना एक बंदा आ गया, उसके पास हमारा सील मुर्गा मेरा कज़न है, इसके यार जबड़ों का ऑपरेशन हुआ है
तो इससे हमने मुर्गा ले लेना, इसके पास ना काफ़ी ज़्यादा सील है, नस्ली सील, तो इससे हमने ले आना अभी। वो तो मुझे कह रहा अभी ले जाओ, लेकिन भाई हमने अभी नहीं लेके आना। तो ये ढक्कन खोल लेते हैं आराम से, यार मेरे कपड़ों पर ना गिर जाए, आराम से खोल दे। ओ भाई गिरने लगा था अभी सारा नीचे, ये ढक्कन भी हमने खोले क्योंकि गैस निकली, सारा नीर ऊपर आ गया। अब यार इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा, तो देखें थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्त हमने नील भी डाल दिया, और ये देखिए मेरे पाँव पर भी इधर गिर गया है, और ये हम डंडे से सारा ना हल कर देते हैं अंदर, ये देखें सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखें यार ये तो ब्लू कलर का ही होगा यार, ये तो यार अब दीवार ब्लू कलर की लगेगी। उस पर लगता है मेरे भाई ने कम डाला था, मैंने तो लगता है भाई ये देखें हाफ लीटर से थोड़ा सा कम ना डाल दिए तो कुछ नहीं होता, बेटर ये होगा। इसके अंदर थोड़ा सा हम ना पानी भी मिक्स कर लेते, फिर हल्का रंग होगा। ये देखिए अब वो अच्छे वाला आ गया वाइट कलर, इससे अच्छे तरीके से फेर देते हैं। इधर भाई हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, और इधर भी कर देते हैं अभी। इधर भाई मैंने नील कम डाला, उधर थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ये देखिए इधर भी अच्छे तरीके से कर दिया। दोस्तों पहले ना हम ये सूखा ब्रश मार देते जो उनसे मिट्टी होगी उतर आएगी, वरना यार सारे ने खराब हो जाएगा। ये देखिए इधर से उतर आएगी जितनी जितनी उतरनी हो। इधर भाई पहले चेक करते हैं मारकर, अभी तो यार ये इस तरह ही लगेगा अजीब अजीब सा, बाद में सूख कर माशाल्लाह ये ना इस तरह का हो जाएगा जिस तरह हमारा पहले का है। ये बाल्टी थोड़ी सी हम ना करीब कर लेते हैं इधर, भाई लगता ज्यादा ही लग गया, नीचे गिर रहा है। तो फाइनली दोस्तों माशाल्लाह हमने इस दीवार पर सिंगल कोट कर दिया, डबल भी करेंगे, तब तक हम ये वाली दीवार कंप्लीट करते हैं। माशाल्लाह अभी वाइट इसका कलर होना शुरू हो गया है, तो आए अब इस दीवार पर कलर करते हैं। दोस्तों ये देखिए हमने अपने ना जूम पे ये कलर शुरू कर दिया है, हमने पेंटिंग भी करवानी है, ये सब आपके लिए। यार हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग हमारी वीडियो भी नहीं देखते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, ताकि हम और भी ज़्यादा ना इधर कुछ बनाए पेंटिंग बनाएंगे यार, इस तरह के हम लाइन बनवाएंगे, इस तरह लगेगा सारा कुछ ना इधर से पेंटिंग से मकाव वगैरह बाहर आ रहे हैं जिस तरह अभी उड़ जाने लग रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त हम पेंटिंग करवाएंगे। बस यार आप लोग ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाएं, और ये हमारा मास्टर पेंट भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये पेंटिंग के बाद हमने वही बनाना है, बस आप जितनी जल्दी करवाओगे ना हमारे 1000 सब्सक्राइबर, उतनी जल्दी हमारा मास्टर पेंट कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई मेरा बड़ा भाई ना उधर कली कर रहा है, मैंने ये सोचा कि ना हम अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा दें, तो इंशाल्लाह ये आसमानों की बुलंदियों में उड़ेगा। सुबह तो यार बहुत ज़्यादा उड़ा, अब का तो इसका पता नहीं, 1 2 3 वो देखो हमने उड़ा दिया। इसकी आवाज़ यार मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है जब ये उड़ता है, माशाल्लाह। वो देखे उधर तक चला गया हमारे दूसरे घर, ये देखे मैंने रोटी भी भाई काफ़ी ज़्यादा स्मैश कर लिया, ये देखें, तो ये भी हम अभी डाल देते हैं इधर। आ तो दोस्तों जिस हिसाब से हमने ये अपनी 2 बाल्टियाँ पेंट की बनाई है ना, ये इंशाल्लाह ये सारी दीवारें ना कंप्लीट हो जाएंगी सिंगल कोड में, और डबल कोड हम दोबारा बनाएंगे और दोबारा सारा कर देंगे। ये देखिए अभी अभी ना किसी का बलून उड़ गया, ये हसनैन लोगों के घर से आया, तो किसी बच्चे का उड़ गया इधर, तो हमारे इंशाल्लाह ये सारा ना इधर कम्प्लीट हो जाएगा सिंगल कोड, तो डबल भी हम करेंगे जब ये पहले हमारा जो सा सिंगल कोड इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। भाई अभी मैंने देखा है कि डक्स बेबी को ना जो सी हमारी सील मुर्गी उन लोगों ने गंजा कर दिया, ये देखें यार उसकी सारी कमर गंजी कर दी यार, उन्हें पता नहीं क्या मसला है। ये देखें सर भी पता नहीं अब कहाँ पे चलेगी, अंदर छुप जाती हैं जाकर, ये देखें इन्हें पता लेते हैं इनका अभी हम।
और जो से हमारी कबूतरी है बाजी उसके अंडे चेक करते हैं कि उसने बच्चे निकाले या नहीं। पहले इन्हें केज के अंदर बंद कर देते हैं। चलो यार एक बंद कर दिया पहले हमने, ये देखे अब जाएगा दूसरा, ये हम सीधा कर देते हैं। और ये अंदर ही बैठी रहती है अंधेरे में, ये देखें कबूतरी अभी पता नहीं बच्चे निकले या नहीं। देखिए और माशाल्लाह चारों के चारों ना अंडे अपने नीचे लेके बैठी हुई है। ये देखिए मार रही आगे से, ये देखिए अलमारी जा रही है, इसके पास नहीं जाते भाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म दिमाग की है। अब इसको देखते हैं इसके कितने अंडे हो गए। इसके यार एक हो गए, ये अंडे के ऊपर बैठती नहीं है, पता नहीं इसे क्या मसला है। और दूसरी कबूतरी के चेक करते हैं, उसके बच्चे ठीक है, इसके तो ठीक है। बाप इधर बैठा है और फीमेल इधर बैठी हुई है, ये देखें इसने भाई सही अपने अंडे छुपाए हुए हैं। और वो वाली कबूतरी ने, बाजी कबूतरी ने, ये वाली भाई कबूतरी हमेशा इस तरीके की देखे, अभी बाहर बैठी हुई है। तो दोस्तों शाम हो गई है, हमने माशाल्लाह फाइनली इधर वाली दीवार पूरी कंप्लीट कर ली है। और इधर वाली भाई इधर से हमारा जो सा कलर है ना वो बाकी रह गया, ब्रश इधर ही पड़ा है और ये देखा हमारा थोड़ा सा पेंट रह गया। तो ये बाकी हम ना कल को कर लेंगे इंशाल्लाह। यार आप ना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा मास्टर केज भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा और हमारी मुर्गियाँ सारी यार अंदर चलेगी खुद ब खुद। माशाल्लाह आज ना पहले दिन गई हैं सारी अंदर, देखें सारी खुद ब खुद अंदर चले गई हैं, कबूतर भी सारे अंदर चले गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल इसरार के जू को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।